फिर से 12वीं के स्कूल खोलने के आदेश के बाद फरीदाबाद में धीरे धीरे छात्रों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। शुरुआत में जहां 30 से 40% बच्चे ही पहुंच रहे थे, अब उनकी संख्या में इजाफा होने शुरू हो गया है। गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि पहले दिन स्कूल में बच्चों की संख्या कम थी, अब धीरे धीरे क्लास में छात्रों की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ रही है। अब सभी क्लास में छात्र पूरी संख्या में आ रहे हैं। मार्च में छात्रों का एग्जाम है, इसकी तैयारी भी करवाई जा रही है। एग्जाम की तैयारी के लिए छात्रों को बुलाया जा रहा है। एक तारीख से गवर्नमेंट ने 10th to 12th स्कूल खोलने की के लिए परमिशन दी थी, जो हमने एक तारीख से खोले हैं। एक तारीख में लगभग 30 से 40% बच्चे आए थे। आहिस्ता आहिस्ता संख्या बढ़ रही है। आज हमारे पास 70% से ऊपर बच्चों की स्ट्रेंथ है। 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम शायद मार्च स्टार्टिंग में हो जाए, तो हम बच्चों को डेली बुलाकर सारे ही बच्चे बुलाए जा रहे हैं और उन्हें स्पेशली एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है, क्योंकि सिलेबस तो सारा खत्म हो चुका है। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।